सो आइडियल रिक्वायरमेंट ऑफ परफेक्ट कंबाइन हार्वेस्टर, अगर आपको कंबाइन हार्वेस्टर लेना है तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कंबाइन हार्वेस्टर में? आप कैसे आप जान सकते हैं कि कंबाइन हार्वेस्टर ये एकदम बढ़िया तरीके का है? पहले लेस ब्रोकन ग्रेन्स, मतलब हर एक कंपनी अपने हार्वेस्टर की जो इफिशियंसी है, थ्रेशिंग की इफिशियंसी, उसके बाद में उसकी कटिंग की और हार्वेस्टिंग की इफिशियंसी, वो दिखाता है। तो आपको देखना है कि लेस ब्रोकन ग्रेन्स, आपको फील्ड पर पता चलता है वो कि लेस ब्रोकन ग्रेन्स कौन से हार्वेस्टर का लेस ब्रोकन ग्रेन्स होता है। उसके बाद में नो ग्रेन लॉस ऑन द ग्राउंड एट द कटर बार एंड, मतलब तो वो ग्रेन्स आपके फील्ड पर नहीं गिरने चाहिए। उसके बाद में नो ग्रेन लॉसेस एट द बैक एंड ऑफ द हार्वेस्टिंग यूनिट, जैसे मैंने आपको बताया जो स्ट्रॉ स्प्रेडर, जो स्ट्रॉ वॉकर से जो आपका ग्रेन्स नीचे सीव्स पे आते हैं, कुछ कई बार क्या होता है कि जिस हार्वेस्टर में स्ट्रॉ वॉकर्स कम लेंथ के होते हैं, कई बार स्ट्रॉ वॉकर्स का ऑपरेशन थोड़ा बिगड़ जाता है, तो उस दौरान क्या होता है आपके ग्रेन्स लॉस होते हैं, डायरेक्टली आपके वेस्ट मटेरियल से ग्रेन्स भी आपके बाहर गिर जाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। फोर्थ, नो अनथ्रेश्ड ग्रेन्स, आपका जो भी थ्रेशिंग यूनिट है वो थ्रेशिंग यूनिट भी अच्छे से काम करना चाहिए। हर एक कंपनी का थ्रेशिंग यूनिट जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि बहुत बहुत इंडिया में बहुत सारे हार्वेस्टर ऐसे हैं कि जहां पर सिंगल थ्रेशर दिया गया है, तो सिंगल थ्रेशर से क्या होता है कि आपका जो जो भी क्रॉप थ्रेशिंग के लिए आता है तो सिंगल थ्रेशर से 90-91% तक ही थ्रेश होता है, जो बाकी जो बाकी का जो ग्रेन है वो डायरेक्टली आपके क्रॉप थ्रू लॉस होता है। मतलब इंडियन मार्केट की जो हार्वेस्टर की जो इफिशियंसी है वो 90-95% तक है, जो भी इफिशियंसी बोलता हूं मैं। उसके बाद में मशीन शुड बी कैपेबल ऑफ ऑपरेशन ऑन क्रॉप इवन विथ हायर मॉइस्चर कंटेंट। कई बार क्या होता है कि सोयाबीन की या फिर देखिए सोयाबीन के क्रॉप, सोयाबीन की जो फसल रहती है वो फसल फसल का जो हार्वेस्टिंग पीरियड रहता है वो सितंबर में रहता है, और बहुत बार सितंबर में भी बारिश वगैरह जैसे नेचुरल डिजास्टर्स है उसकी वजह से आपके क्रॉप क्रॉप कंडीशन का जो मॉइस्चर है वो मॉइस्चर ज्यादा रहता है, तो उस दौरान आपको अगर हार्वेस्टिंग करनी है तो हमारा जो भी मशीन है वो मशीन कैपेबल रहना चाहिए हायर मॉइस्चर कंटेंट में भी। और आपका जो ग्राउंड है, आपका जो फील्ड है वो अगर गीली भी होती है उसका भी मॉइस्चर ज्यादा रहता है तभी भी प्रॉब्लम आता है, तो उस फील्ड पर भी चलाने के लिए आपके मशीन कैपेबल होनी चाहिए। द मशीन शुड बी कैपेबल ऑफ वर्किंग ऑन वेरियस क्रॉप्स, इजी टू ऑपरेट, इजी टू मेंटेन, शुड कंज्यूम लेस फ्यूल। और एक इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूं मैं अभी, आपका जो इंजन रहता है वो इंजन आपका आपके ग्रेन टैंक के पीछे रहता है, और इस इंजन से पावर आपको एक्सल की तरफ प्रोवाइड करनी है, तो वो प्रोवाइड कैसे होती है? वो पुलिस की तरफ से, यहाँ पर बीच में पुलिस दी गई हुई है, पुलिस से यहाँ पर जैसे भी आपका फ्लाईव्हील रोटेट होता है, फ्लाईव्हील रोटेट होने के बाद आपका आपका जो पावर है वो पावर डायरेक्टली पुलिस से होते हुए, पुलिस पर रबर के बेल्ट लगाए हुए हुए हैं, तो वो रबर के बेल्ट थ्रू आपके पावर आपके एक्सल को दी जाती है, फ्रंट एक्सल, जो भी टू व्हील ड्राइव बता रहा हूँ मैं अभी, तो फ्रंट एक्सल को दी जाती है। आपको जो भी क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं।